तो मेरा जवाब बिल्कुल सिंपल एंड और नो में, ये केवल एक प्रयास कह सकते हैं आप जो है, क्योंकि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, ये हमारी तहजीब है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार है। हम कोसते हैं देवानंद के उस गाने को कि जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं उड़ाता चला गया। ये गाना तो जुम्मा जुम्मा 50 साल पुराना होगा, लेकिन हुक्का तो सैकड़ों बरसों से इस देश की चौपाल पे, इस देश के आंगन में, इस देश की पौली में, और बाहर वाले कमरे को आप क्या बोलते हो, बैठक में, शताब्दियों से जमा हुआ है और जमा रहेगा, क्योंकि हमारी तहजीब है। शादी ब्याह में बराती आते हैं तो सबसे पहले उनको हुक्का ऑफर किया जाता है। अगर कोई आप किसी के मरने पे गए हैं और बैठक में बैठे हुए हैं तो भी बीड़ी सिगरेट की थाली वहां पे जरूर रखी रहती है। तो जो चीज हमारे अंदर रच बस गई है, और अगर आप नहीं करेंगे हुक्के से स्वागत, बीड़ी से स्वागत, सिगरेट से स्वागत, तो आप भी जानते हैं कि कितना आपको सुनना पड़ेगा, कितना आपको संभालना पड़ेगा। और रही बात यह है कि पब्लिक प्लेसेस पर बीड़ी सिगरेट पीना मना है, बिल्कुल खुले मन से और निडर होकर के, क्योंकि मैं एक अतिथि के रूप में यहाँ पे हूँ। अपने सेशन जज के सामने ये सवाल और ये टिप्पणी दोनों एक साथ कटाक्ष कह लीजिए, व्यंग्य कह लीजिए, पीड़ा कह लीजिए या संचेतना कह लीजिए, ये आप पे छोड़ती हूँ। जो है कोई इस बात की गवाही देगा कि कौन सा ऐसा महकमा है जिसमें सरेआम 9 से 5 के बीच में कर्मचारी बीड़ी सिगरेट नहीं पीते? कैन एनीबॉडी टेल मी? और क्या मुझे कोई जज या कोई वकील या कोई पत्रकार ये बताएगा कि आज तक बीड़ी सिगरेट पीने पर इस देश के किसी एक व्यक्ति पे एक मुकदमा चल के एक की सजा हुई है? कैन एनीबॉडी टेल मी? केवल बातों से, कानून से कुछ नहीं होने वाला। जो है कायदा चाहिए, कायदा, चाबुक चाहिए, चाबुक। और चाबुक हम चलाएंगे क्या जब हमारे अधिकारी यहां पे खड़े होकर के प्राचार्य के महोदय का ये जवाब नहीं दे सकते कि भी मैं क्या करूं? तो छोड़िए आप चाबुक, शब्द भी नहीं है, अल्फाज भी नहीं है, गहरी चुप्पी और एक बहका वातावरण कि हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जनाब चढ़ाइए फांसी हमें, जो है हम बोलने को तैयार है, कोई डर की बात नहीं। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि जुडिशरी जो है अपने कोर्ट रूम से बाहर निकलकर लोगों के बीच आ रही है और लोगों को न्याय पहुंचा रही है। अभी आज ही मैंने ट्रिब्यून में एक समाचार छापा है, मैं उसका जिक्र यहाँ जरूर करूंगा। फतेहाबाद की घटना है कि एक 20 साल की औरत पूजा अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ, बच्चे के तन पर कपड़ा नहीं है और औरत के पैर में जूती नहीं है, चप्पल नहीं है, उसके हस्बैंड ने उसको 1 साल पहले निकाल दिया, माँ के पास रह रही थी रतिया में, माँ के किसी व्यक्ति के, माँ विडो थी और किसी व्यक्ति के साथ संबंध थे, तो वो महिला ने जो पूजा थी उसने एहसास किया तो वो कहने लगी ये तो यही रहेगा, तूने जाना है तो जा। वो बेचारी कल निकाल दी गई घर से और वो डिप्टी कमिश्नर के पास आई न्याय मांगने के लिए कि मुझे कहीं छत दिला दीजिए। सुबह से लेकर शाम तक वो इस दुविधा में रही, कई अधिकारियों से मिली कि कोई छत उसको मुहैया करा दे। उसको चिंता ये थी कि शाम आने वाली है, रात को दैट नाइट विल टर्न ए नाइटमेयर फॉर हर, परंतु कोई उसको न्याय नहीं मिला। इतने में लीगल सर्विस अथॉरिटी फतेहाबाद से जुड़े दो वकील विनय शर्मा और मधुसूदन गुजारा, वो बाई चांस वहां से गुजरे, उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है उसके तन पे कपड़े नहीं है और एक महिला उदासी बैठी है, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तो महिला ने अपना दर्द बयां किया। वो भी अच्छी तरह बजी नहीं, एक एक साइड वालों ने बजाई, एक साइड वालों ने बजाई नहीं। थैंक यू, थैंक यू। नशा दोस्त बन के साडे कोल आमदा है, नशा दोस्त बन के साडे कोल आमदा है, ते दुश्मनी रज के खूब कमा जांदा, इज्जत विच जान दे रुड़ जांदी, ते पैसियां तों वी नंग करा जांदा, ते पैसियां तों वी नंग करा जांदा, लानत नशे दी जिसनू लग जावे, शरीर गाल जावे, शरणी शेक होवे, पैसे पाई वालों नंग हो जावे, शर्मसारी भी झेलनी पै जावे, खा गया जवानियां देश दियां,
अंदरों अंधेरी कौन वांग खाई जावे। हिस्सा है किसी भी रूप में जो हम तंबाकू का सेवन करते हैं वो हानिकारक हो सकता है। सिगरेट है, बीड़ी है, हुक्का है, या चुरट जिसको बोलते थे, सिगार, ये सभी तंबाकू का स्मोक के तौर पे इसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा तंबाकू अन्य चीज़ों में भी उतना ही खतरनाक रूप में विद्यमान होता है, जैसे गुटखा, पान मसाला में भी कई बार तंबाकू पाया जाता है, खैनी, ये सभी भी उतने ही खतरनाक हैं इतना सिगरेट या हुक्का या बीड़ी है। हुक्का पीना भी आप जितना जल्द हो बंद कर दें। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, एक अनजान आदमी भी बता सकता है कि जब आप इस प्रकार की चीज का सेवन करेंगे धुएं को सीधा आपके फेफड़ों में जाएगा तो उसका क्या नुकसान हो सकता है।